तो वो अपनी पार्टी की चिंता करें, क्योंकि कोई भी नेता आते हैं अगर बिहार में उनका स्वागत है। राजनीति में सभी को अधिकार है कि आकर अपनी बातों को रखें। नमस्कार, मैं शुभ प्रेरणा, आप देख रहे हैं एक News 24। अमित शाह बिहार दौरे पर अक्सर आ रहे हैं और इसको लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले की बात है जब अमित शाह का बिहार आगमन हुआ था, जहां से उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम लोगों को संबोधित किया था और रणनीति भी बनाने की बात कही थी। साथ ही लोगों को लेकर उन्होंने तमाम ये बातें कही थी कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से हमें एकजुट होना है। ये तमाम जो एजेंडा है वो अमित शाह लेकर बिहार आए थे, जहां पर उन्होंने इस एजेंडा पर काम भी किया। लेकिन अब बता दें कि जदयू कोटे से मंत्री सुनील कुमार ने इस पर एक बड़ा बयान दिया है। वहां पर उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से अमित शाह बिहार आ रहे हैं उनका बिहार में स्वागत है, लेकिन वो जो सोच कर आ रहे हैं वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। साफ तौर पर यहाँ पर सुनील कुमार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बीजेपी समझ गई है कि आने वाले चुनाव में वो हार रही है। इसको लेकर बार बार अमित शाह बिहार आ रहे हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप वो भी सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सामने से सर उनको अपनी चिंता करनी चाहिए। जहाँ तक महागठबंधन का प्रश्न है, हम लोग काफी मजबूत है और हम लोगों का जो परफॉर्मेंस होगा 2024 के चुनाव में बेहतरीन होगा। तो वो अपनी पार्टी की चिंता करें, क्योंकि कोई भी नेता आते हैं अगर बिहार में उनका स्वागत है। राजनीति में सभी को अधिकार है कि आकर अपनी बातों को रखें, लेकिन हम लोगों का जो महागठबंधन है और माननीय नीतीश कुमार जी का जो नेतृत्व है बहुत उच्च स्तर का है, सबल है और निश्चित रूप से इसका फलाफल आप 2024 के चुनाव में जरूर देखेंगे। पाँच तारीख को नेताओं के सहारे नीतीश कुमार को जली कर रहे हैं, हाँ हो गया। देखिए, वो उनके ये निश्चित रूप से राजद अपने पार्टी अपने स्तर पर देखिए कि उनका क्या कहना है, क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये किसी पार्टी का स्टैंड नहीं है। कई बार कोई विधायक अपनी बातें कहते हैं जो सही नहीं है, मर्यादा का कई बार पालन नहीं होता है, तो पार्टी निश्चित रूप से इस संबंध में देखेगी कि किसने क्या कहा। तो समय समय पर तो पार्टी अपना जो उचित समझती है निश्चित रूप से करेगी। अशोक चौधरी ने कहा कि जो काम लालू यादव के शासन काल में नहीं हुआ है वो अब हो रहा है। देखिए, वो जो 5 नवंबर को आगामी 5 नवंबर को पटना के वेटनरी कॉलेज में भीम संसद का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि देश बचाओ, संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ। तो इसमें मुख्यतः सभी लोग जनता दल यूनाइटेड के इसमें आमंत्रित हैं। सभी लोग, हम लोग भी सब जगह जा रहे हैं, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। मेरी बात सुन लीजिए। और ये इसका मुख्य उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम किए हैं पिछले 18 वर्षों में वो सबके सामने है, और समाज के जो वंचित वर्ग है उनका कैसे प्रोग्रेस हो और उनका उनका हक मिले, ये सारे काम उन्होंने किए हैं। अब समय की बात है कि किस वक्त कितना बजट होता है, कितनी राशि रहती है, उसी के अनुसार ये कार्रवाइयाँ भी होती हैं, स्कीम्स भी बनते हैं, योजनाएँ भी बनती हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से काफ़ी कुछ किया है और ये संवाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री चूँकि मुख्य अतिथि रहेंगे, संवाद स्थापित होगा, जो लोग आएंगे और अपनी बातों को हम लोग रखेंगे सबके साथ। कोई और दल के भी रहेंगे? अभी ये जनता दल यूनाइटेड का ही ये एक, देखिए, लोगों को जागरूक करना है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 18 सालों में जो भी काम किए उन्होंने तो विकास के साथ और न्याय के साथ विकास किया है, सभी वर्गों के लिए काम किया है, तो सभी बातों को रखा जाएगा। लेकिन एक मुद्दा तो ज़रूर रहेगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संविधान के विरुद्ध काम कर रही है और लोकतंत्र के हित में काम नहीं कर रही है, और लोकतंत्र में जो व्यवस्था है या जो संविधानिक व्यवस्थाएं हैं, संस्थाएं हैं, उसका दुरुपयोग हो रहा है,
उसके बारे में भी हम लोग जरूर जिक्र करेंगे। अब आप देखेंगे, आप आमंत्रित हैं उस दिन जी, ऐसी कोई बात नहीं है, उनका अपना अपनी सोच है, हर पार्टी और हम लोग अपने बलबूते पर कर रहे हैं, कौन साथ है नहीं साथ है उनकी मर्जी। तो जैसा कि अभी अभी आपने सुना है कि जदयू नेता सुनील कुमार ने साफ तौर पर अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर निशाना साधा है और कह दिया है कि बीजेपी ये समझ गई है कि आने वाले चुनाव में उसका सुपड़ा साफ होने वाला है, जिसको लेकर बीजेपी इन तमाम नीतियों पर काम करती हुई दिखाई दे रही है और इसी घबराहट में अमित शाह बार बार बिहार आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर सुनील कुमार ने साफ तौर पर अमित शाह पर निशाना साधते हुए बीजेपी को भी कटघरे में ला खड़ा किया है और ये सवाल छोड़ दिया है कि क्या वो सच में आने वाले चुनाव में हार रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल एक न्यूज 24। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।